हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बोया एम1 माइक को आप अपना एंड्रॉइड मोबाइल का जो डिफॉल्ट कैमरा है उसी के साथ में कैसे कनेक्ट करेंगे। गाइस, अगर आप हमारा चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारा वीडियो का हर नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। गाइस, मान लीजिए आपने बोया एम1 माइक को खरीद लिया, अभी आप मोबाइल के साथ में उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो आप यूट्यूब में चार्ज करके बहुत सारा वीडियोज़ देख रहा है, तो इसमें बहुत सारा वीडियोज़ आ रहा है आपका सामने निकाल के, तो आपको पता नहीं लग रहा कौन सा वीडियो देखोगे, कौन सा वीडियो में आपका वो माइक काम करेगा। तो यूट्यूब में जितना भी वीडियो में आपको बता रखा है तो उसमें कोई ना कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का मदद से आपको बता रखा है। तो मैं आज आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ, आपका जो मोबाइल का साथ में कैमरा होता है आप उसी के साथ में उसको कनेक्ट कर पाओगे। जो जैसे यूट्यूब में उसको बता रखा है कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, जैसे ओपन कैमरा हो गया, MX कैमरा हो गया, तो लेकिन मैं उस चीज़ के बारे में आज आप लोगों को नहीं बताऊँगा। आपका मोबाइल के साथ में जो कैमरा है उसी के साथ में आप अपना बोया एम1 माइक को कैसे कनेक्ट करोगे। गाइस, जैसे मैंने अभी अपना खुद का बोया एम1 माइक को अपना एंड्रॉयड मोबाइल के साथ में कनेक्ट करके ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर, तो आप लोगों को थोड़ा सा एग्जांपल के लिए मैं थोड़ा सा माइक को रिमूव करके दिखाता हूँ उसका साउंड क्वालिटी कैसा आ रहा है। गाइस देखिए, मैंने अभी उसको रिमूव कर दिया। देखिए, मैं रिमूव करने के बाद आप देख सकते हो उसका क्वालिटी कैसा आ रहा है। फिर मैं इसको लगा दूंगा तो आप देख सकते हो उसका क्वालिटी कैसा चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने अभी उसको देखिए, जैसे मैंने अभी इसको दोबारा ज्वाइन कर दिया, मोबाइल के साथ में कनेक्ट कर दिया, तो अभी आप खुद देख सकते हो इसका फ़र्क कितना है। सो गाइस, बिना स्किप हुए वीडियो में बने रहे शुरू से लेकर लास्ट तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइज, मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा इसका सेटिंग कैसे करना है, तो आप स्क्रीन में देखते रहना। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना मोबाइल का जो अपना सेटिंग है, मोबाइल का सेटिंग में क्लिक करना है। मोबाइल के जैसे सेटिंग में मैंने क्लिक कर दिया, मोबाइल के सेटिंग में क्लिक करते उसका इंटरफेस कुछ ऐसे आएगा। फिर आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना, नीचे स्क्रॉल डाउन करते देखिए आपको साइड में आ रहा है साउंड एंड वाइब्रेशन बोल के एक ऑप्शन आ रहा है। साउंड एंड वाइब्रेशन में आपको क्लिक करना है। जैसे मैंने साउंड और वाइब्रेशन में क्लिक कर दिया, थोड़ा सा नीचे जाने के बाद आपको इसमें नीचे देखा देगा अदर सेटिंग। अदर सेटिंग बोल के जो ऑप्शन है उसमें क्लिक करना है। उसमें क्लिक करने के बाद आपको ऊपर में आ जाएगा डिफॉल्ट रिकॉर्डर। आप डिफॉल्ट रिकॉर्डर में क्लिक करना है। डिफॉल्ट रिकॉर्डर में जैसे ही क्लिक करोगे आपको ऊपर में इसमें आ जाएगा ऑटो सिलेक्ट। ऑटो सिलेक्ट में आपका ये सिलेक्ट रहेगा, तो आपको इसको ऑटो सिलेक्ट से लेके एड ऑन में क्लिक करना है। एड ऑन में क्लिक करने के बाद आपका सेटिंग इसमें पूरा हो जाएगा। सो गाइस, आप इसके बाद आपको इसको बैक कर लेना। बैक करने के बाद आपका जो मोबाइल का डिफॉल्ट कैमरा है, और मोबाइल का डिफॉल्ट कैमरा से अभी आपका साउंड रिकॉर्डिंग होगा। आप अभी बोया का माइक को लगाइए और मोबाइल का डिफॉल्ट मोबाइल का साथ में जो कैमरा था उसी से रिकॉर्डिंग कीजिए। आपका वीडियो क्वालिटी एंड साउंड क्वालिटी दोनों अच्छा आएगा। सो गाइस, आज का वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो के नीचे एक लाइक बटन है, उसको दबाकर आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपना दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे एक लाल सब्सक्राइब बटन है, उसको दबाकर आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही में बेल आइकन, घंटी वाला आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका हर नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलते कोई नया वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।